अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़याज़ अहमद लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सटेंशन बताऊंगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो वेबसाइट्स के हवाले से होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि वेबसाइट्स के हवाले से आप जानकारी लेंगे कि किस तरीके की उस पर ट्रैफिक जा रही है, किस तरीके के उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, और तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। बहुत ही अच्छी एक्सटेंशन है और बहुत सारे एनालिटिक करते हैं, बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत सारे लोग जो वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी इस वीडियो का लाइक का टारगेट कोई नहीं है, आप जितना सब्सक्राइब और लाइक करते जाएँ आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मेरे इस वीडियो के हवाले से या मेरे किसी भी वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो बिला झिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की मैं एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं गूगल को ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है दोस्तों, इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ रहे हैं। और अगर आप नीचे आए तो जो नंबरिंग दी गई है, ये वन नंबर और दूसरा जो अर्न मनी ऑनलाइन द इकोनॉमिक टाइम्स है, ये दो नंबर है, फिर तीन नंबर, चार नंबर, और यहाँ पे एक और चीज़ भी नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं, रैंकिंग, इसकी एज किस तरीके की एज है, इस मतलब कंटेंट की, इसकी रैंकिंग और डिस्प्ले एड्स, जो भी चीज़ें मतलब इसमें तमाम चीज़ें आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप साइट पे आए हैं तो साइट पे भी आप मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सटेंशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोनों एक्सटेंशन के इस्तेमाल से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गूगल एडसेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 11,21,10,000,00,000, मतलब 1,10,000 सर्च वॉल्यूम है, और इसके अलावा यहाँ पे 74,000, 74,000, 74,000, 60,000, 500, 49,000, 540,000, 500, यहाँ पे आप चेक करते जाएँ, ठीक है दोस्तों। ये किस तरीके से चेक करते हैं आप, इससे जो है ना एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की हमें जो है ना किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए ताकि हमें जो है ना ट्रैफिक गेन करनी पड़े तो इस अंदाज से हम कर सकें। सो फ्रेंड्स, इसको किस तरीके से करते हैं, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम दूसरी कोई वेबसाइट सर्च करें, मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट आप सर्च करते हैं www. यहाँ पे मैं अगर स्टार ट्रैक को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टार ट्रैक को क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आईटीएम इसकी वेबसाइट को जो नहीं करते हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखता हूँ techjuice.com, एक वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ, दूसरी देखता हूँ मैंगो बॉस। सो फ्रेंड्स, एक मैंने वेबसाइट ओपन की और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपको इस साइट पे एक ऑप्शन है जिसको जो है ना आप उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे एनालिटिक्स में देख सकते हैं, पूरी की वेबसाइट की डिटेल आ रही है, गूगल इंडेक्स आ रहा है, याहू इंडेक्स आ रहा है, बिंक जो है ना इंडेक्स आ रहा है, एलेक्सा, तमाम चीज़ें आ रही हैं। इससे जो है ना आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी आपको आपकी एसईओ करने में मदद दे सकता है। वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है www.google.com पे। जैसे मैं google.com को ओपन करूँगा तो यहाँ पर लिखना है आपने SQL एक्सटेंशन, सिर्फ और सिर्फ आपने यही लिखना है, और यहाँ पे आप SEO क्वेक .google जो क्रोम है इसको जो है ना आपने ओपन कर लेना है, और ये एक्सटेंशन आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगी आफ्टर इंस्टॉल ऑप्शन,
और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ही ये इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है SEO क्वेक भी कहते हैं, SEO अगर शॉर्टकट में लिखें तो इसको उस अंदाज से भी चेक किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स ये थी जो है ना SEO के हवाले से, वेबसाइट की रैंकिंग के हवाले से एक एक्सटेंशन, और दूसरी है सर्फर जो वेबसाइट की मज़ीद जो एनालिटिक्स है उनकी सर्च वाली हम तमाम चीज़ें का देखना चाहें तो उस सर्फर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल मतलब बहुत अच्छा इस्तेमाल है और बहुत सारी चीज़ें आप उनकी मदद से कर सकते हैं। लेकिन जो सर्फर है यहाँ पे जो वैसे वेबसाइट जिस तरीके से ओपन हुई पड़ी होती है ना वहाँ पे ज़्यादातर शो होती है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये वेबसाइट हमारी ओपन हुई पड़ी है तो यहाँ पे सर्च वाली हम तमाम चीज़ें आ रही हैं, सिमिलैरिटी आ रही है, ये मज़ीद आप इसकी बैक लिंक्स एंड विजिबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग और मज़ीद भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे मज़ीद चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो फ्रेंड्स इनकी मदद से आप मुख्तलिफ लोगों की SEO को एनालिटिक कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी उसी तरीके से रैंक की जा सके। सो फ्रेंड्स एक था सर्फर के नाम से और दूसरा था SEO यानी कि SEO क्वेक। ये थे दो सॉफ्टवेयर, ये थी दो एक्सटेंशन जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी आपकी SEO के हवाले से। आई होप कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समझ भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।